हमीरपुर जनपद के भरुआ सुमेरपुर में गलियों में सफाई कर भाजपाइयों ने मनाई वीर सावरकर की पुण्यतिथि। बताते वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाया। साफ सफाई का संदेश देने के लिए भाजपाइयों ने टोलियां बनाकर कस्बे के सभी 18 वार्डों में साफ सफाई की। इतना ही नहीं, वार्ड नंबर 17 में स्वच्छता अभियान के पहले वीर सावरकर की पुण्यतिथि के मौके पर संगोष्ठी की गई। बीजेपी कार्यकर्ता मुमताज बेगम के घर में हुई संगोष्ठी में बीजेपी आईटी विभाग के जिला सह संयोजक अमित कुमार सोनू ने विनायक दामोदर सावरकर के सामाजिक कार्यों को याद करते हुए कहा कि उन दिनों छुआछूत की बुराई के जकड़े समाज में विद्रोह कर उन्होंने करीब 500 मंदिरों को अछूत के लिए खुलवाया था। कई अंतरजातीय विवाह कराए थे और सामूहिक सर्वजातीय भोज भी कराया था। इस मौके पर महिला मोर्चा की क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य मीना यादव ने कहा कि पुणे में विदेशी कपड़ों की हो जलाने के बाद उन्होंने अभिनव भारत नाम से संगठन बनाया, जिसे बाद में तिलक जी ने स्वराज दल में मिला दिया था। बीजेपी शक्ति केंद्रीय संयोजक वीरेंद्र गुप्ता पिंटू ने कहा कि सावरकर जी को जैसे ही पता चला कि अंग्रेजों ने चफेकर भाइयों को फांसी दे दी है और उन्होंने कुल देवी भगवती के सामने शपथ लेकर देश की आज़ादी के लिए शस्त्र क्रांति का झंडा उठा लिया था। महिला मोर्चा की मंडल महामंत्री उषा सिंह ने कहा कि अंग्रेजों ने सावरकर से डरकर उन्हें अंडमान में कैद कर मरणासन तकलीफें दीं, लेकिन इतनी यातनाएं सहने के बाद भी कवि हृदयवीर सावरकर ने वहाँ कई कविताएं और काला पानी जैसे मार्मिक उपन्यास लिखीं। इस दौरान आईटी विभाग के मंडल सह संयोजक लक्ष्य गुप्ता, वार्ड 17 सह संयोजक प्रत्यूष गुप्ता, बूथ अध्यक्ष सर्वेश तिवारी, कुमारी सान्या, किशन शिवहरे, रहीसा बेगम, नरेंद्र गुप्ता, टिंकू साहू समेत बीजेपी कार्यकर्ता ने मोहल्ले के लोगों से गंदगी से फैलने वाली बीमारियों पर चर्चा की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस जन जागरूकता के उद्देश्य के साथ देश के अंदर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया, वो आज जन जन तक आंदोलन बन चुका है। देश स्वच्छ और सुंदर होगा तो देश स्वस्थ भी रहेगा और तब जाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। दूर से जाए के अलग अलग एंगल बनाते रहो, मतलब बीच बीच में कट कर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।